हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिफाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द रिलेशंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ फिगर, यानी कि सम एंगल रिलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ हमने दो एंगल बनाए हैं, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी। दोनों एंगल के कॉमन वर्टेक्स पॉइंट हैं, वर्टेक्स है ओ। दोनों एंगल के कॉमन वर्टेक्स हैं ओ एंड वन कॉमन आर्म है ओ सी और दो अनकॉमन आर्म है ओ बी एंड ओ ए। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। ठीक है, ओ वर्टेक्स हो गया, दोनों ही एंगल का वर्टेक्स ओ है, सेम वर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट इज दे हैव अ कॉमन आर्म, दिस इज कॉमन आर्म ओ सी। एंड थर्ड पॉइंट इज अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। मीन्स ओ बी और ओ ए जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड में है। तो ये तीन क्राइटेरिया होने चाहिए दो एडजेसेंट एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे बी ओ सी एंड ए ओ सी बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, ऑल्सो दे हैव अ कॉमन आर्म ओ सी and the distinct arm OA and OB lie on the opposite side of the line OC. Clear? Therefore, AOC and BOC, angle AOC and angle BOC are adjacent angles. Clear? Now, next one is linear pair of angles. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखते हैं ये एंगल क्या होते हैं। हमने एक एंगल बनाया, दिस इज पॉइंट ओ, दिस वन इज बी, एक ओ बी एक रे है और ओ ए भी एक रे है। ठीक है, सॉरी, ओ बी एक रे बनाया और ओ ए एक रे है। ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। अभी तो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं बट हमने यहाँ पे दो एंगल बनाने हैं। तो चलिए एक और रे ये बना लेते हैं। दिस इज रे ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल्स, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनके भी कॉमन वर्टेक्स हैं ओ, बी ओ सी और ए ओ सी के कॉमन वर्टेक्स हैं ओ, एक कॉमन आर्म है ओ सी और दो अनकॉमन आर्म ओ बी एंड ओ ए इस ओ सी कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हैं। तो ये दोनों एंगल भी बी ओ सी एंड ए ओ सी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। बट टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। इनके जो नन कॉमन आर्म्स हैं ये दोनों अपोजिट रेज हैं। ठीक है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं। दैट्स वाई ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। जैसे इस फिगर में ओ ए और ओ बी टू अपोजिट रेज एंड ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों रेज अपोजिट साइड में। देयरफॉर
angle AOC and angle BOC form a linear pair of angles. Clear है? तो आपने आज सम एंगल रिलेशंस देखे, दो एंगल्स के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.